एक मिनट सर, आइए। हाँ, इसमें प्रोग्राम फिटिंग होता है यहाँ से। अच्छा अच्छा अच्छा। अब किसके अंदर, हर प्रोग्राम के अंदर अलग अलग डिवाइस होते हैं, किसके अंदर धागे ज्यादा है, किसी के अंदर कम है, इस टाइप के प्रोग्राम मतलब एक तरीके से रीड पिक। हाँ, रीड पिक का सिस्टम है। अच्छा, हर क्वालिटी का अलग। तो सर इसमें वीविंग भी हो जाएगी? हाँ बिल्कुल, वीविंग होगी ना। अच्छा, यहाँ से अपन वीम बना के देंगे, ये कपड़ा सैंपल रूम पे जाएगा, रूम पे जाके सैंपल बनेगा। अच्छा ठीक है ना। जैसे कि मैं आपको उदाहरण के तौर पर एक छोटा सा बना के दिखाता हूँ, मैंने एक अपने हिसाब से एक प्रोग्राम डाला है। अच्छा छोटा। हाँ, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक सर, ये बहुत बढ़िया चीज़ है, कहीं मिलेगी नहीं आपको। ये देखो बीम बन नहीं आती। देखा, अब ये लूम पर लग के ताकि कपड़ा बन जाए। एक कौन से नहीं तो उसे वार्पिंग करनी पड़ती पूरा। क्या शुभ नाम सर आपका? मेरा नाम आशिक मोहम्मद है। अरे वाह, मेरे फादर चलाते थे इसको। हाँ, 40 साल उन्होंने सर्विस की थी। अच्छा, वो सर्विस की पूरी हो गई, मैं लेबर हैंड। अरे बहुत। ये देखो बीम बनना है आपका, ये सर लपट का आ रहा है इसी पर। हाँ, ये अच्छा। पूरे जैसे कि ये ड्रम है ना। हाँ हाँ, 7 मीटर का ड्रम, एक राउंड इसके लेगा, दूसरा राउंड भी इस लीज में डाल देगा। ठीक ठीक। ये भी लीज भी डल रही है साथ में। हैं? लीज डल रही है, लीज। अच्छा, लीज है। लीजिंग सिस्टम। और जो ये जो मुँह कर रहा है क्या है? कौन सा वाला? ये जो चल रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, जिसके ऊपर ड्रम के ऊपर सेट होगा। ये सेक्शन बनना है ना, सेक्शन घूम रहा है। और लीजिंग कैसे हो रही है? लीजिंग, ये देखो यहाँ से लीजिंग हो रही है। हैं? ये अंदर की साइड में लीजिंग हो रही है। अच्छा, देखिए पूरा आपको वो लीज रॉड पड़ जाती होगी। हाँ जी, ओके। उससे बीम गेटिंग करते होंगे। बीम गेटिंग वही वाला। अच्छा, फिर चुलीवाल जी से कहेंगे, इस पर लेक्चर लूंगा मैं, ये वीडियो दिखाऊंगा उनको। शेठ जी की बहुत बेनिफिट वाली मशीन है। अरे हाँ, अच्छा सर ये बीम बन गया क्यों? फिर इसके बाद फिर इसको वीवर बीम पर लेंगे? हाँ, वो खाली पाइप पे लेंगे। अच्छा, मैं आपको थोड़ा वो भी प्रैक्टिकल कर देता हूँ। अच्छा अच्छा, अब इसके अंदर सर हर बीम के अंदर अलग विड्थ होती है, किसके अंदर 72 इंची होती है, किसके अंदर 68 इंची होती है, किसके अंदर 64 इंची होती है, वो अपने हिसाब से कैसे भी ले सकते हैं। जितना भी डिस्प्ले चौड़ाई कपड़े की छोड़ेगी वो करना होते हैं, वो एक्चुअली में क्या, वो पार्टी डिस्कस करती है उनको कितना चाहिए। अच्छा ठीक है ना, ये तो अपन आपको तो इससे ब्लैंकेट बनते होंगे? हाँ, ब्लैंकेट भी बनते हैं ना। अच्छा सर, वो मोशन वो सब मालूम होंगे। खाद्य अधिकारी साहब है ये विजय शर्मा जी। हैं? ये शर्मा जी। अच्छा अच्छा, ये मैंने ये होंगे आपके मैनेजर। अच्छा साहब। अच्छा अच्छा, अरे कहाँ के? बिहार के? ग्वालियर के। अच्छा अच्छा। अरे नमस्कार सर, मैं वीके गुप्ता, प्रिंसिपल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट भीड़ वाला। अच्छा, तो थोड़ा सा इन बच्चों को दिखाने लायक। जी जी, तो चलिए मैनेजर साहब से मिलकर बड़ी खुशी हुई। चलिए, आप ग्वालियर से सर? अरे तोमर साहब को जानते होंगे आप, कंचन वो संगम में। हाँ जितने तो होंगे। हाँ हाँ, अच्छा। संजीव, संजीव शर्मा को, वो जो ईरान में मेरे पक्के दोस्त हैं, अभी नाइजीरिया में। अच्छा, क्या शुभ नाम सर आपका? अरे मुझे बड़ी खुशी। सर का नंबर लीजिए, फोन फोन नंबर लिखो। ग्वालियर से योगेश खरी। हमारे कॉलेज में सब बच्चे ज़्यादातर ग्वालियर से आते हैं, वो डिप्लोमा करके डिग्री करते हैं। हाँ। अभी मैंने दो लोग को तोमर से कह के लगवाया। जी 9549705817 विजय सर। हेलो सर, क्या फोटो ले, फोटो ले। अच्छा, वो तो बहरिया जी ने ले ली ना, वो तो बहरिया। अच्छा अच्छा, ये अपने सुभाष बहरिया। अच्छा, अच्छा मेरा विजय शर्मा। विजय सर ने मैंने ले ली फोटो सर की। तो सर किस सर में किया था डिप्लोमा? मेरा तो काफ़ी साल हो गया, शायद 90 के करीब का। अरे बहुत,
अच्छा मैं समझ गया। आप क्या लड़के आते हैं हमारे बीटेक करने? विद्यार्थी सर हुआ करते थे मेरे। अच्छा चलो सर ये बता दो ये बीम बन गया आपका तो इसको वीवर बीम पर अरे इसको पढ़ाया इसको मुर्गा बनाया मैंने अभी डांटूंगा जाकर। मैंने G6 200 का इरेक्शन साथ साथ किया था उस समय ये ट्रेनिंग पर आया था। वो तो मजाक कर रहे हैं बहुत। हाँ सर ये सब ले लिया मालूम है मतलब देखो कैसे मोशन तो कर रहा है ये। हाँ हाँ ये कौन से जा रहा है वेव एक्युमुलेटर और फिर ये टेंशनर ये आपका पिलर ये इलेक्ट्रॉनिक पिलर लगा हुआ। अरे ये तो गाइड इसके अंदर ये टेंशन कंट्रोल करता है ये जो वेव एक्युमुलेटर है ना डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं लेकिन ये टेंशन को कंट्रोल करता है ताकि बार्स वगैरह नहीं आती क्यों सर। हाँ और फिर आपका ये टेंशनर यान टाइप और फिर आपका थ्रेड स्टॉप मोशन जैसे आपका यान ब्रेक होगा मशीन को बंद कर देगा है ना और फिर ये यान आपका जा रहा ये देखो एक क्यों सर एक कौन से दो कौन से बन जाता का एक कौन से। हाँ वैसे आठ कौन का वो बाजू के कुली में उसमें आठ कौन लग करके वैसे। अच्छा अच्छा वो क्या है सर आठ कौन लगा करके। हाँ हाँ एक मिनट हाँ अरे ये तागा नहीं नहीं थाना नहीं। अच्छा सिंगल कौन से बनाने का है जी जी। हाँ हाँ आठ कौन लगाएंगे अपन जी 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 सर इसको पार्टिकल के लिए बैच बोलते हैं ना जी जी उस हिसाब से। अच्छा और इसके लिए कौन कहाँ लगाते हैं कौन तो इसमें। अच्छा ये आठ ये किरील हो गई और यहाँ से ये और फिर इसके ऊपर घूमता रहेगा। ओके जैसे कि अभी अपन ने एक कौन लगाया है। हाँ हाँ वो भी घूम के बीम बना जी अपने पास क्या अगर ज्यादा कौन होंगे जी 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 हटा या दो एक मिनट। हाँ हाँ बताओ जैसे अभी अपन ने एक कौन लगाया अपने पास जैसे कि यान का एक कौन आया है जी जी तो अपन ने एक कौन से बीम बनाया। हाँ अपने पास ज्यादा कौन होंगे हैं बीम बनाने में चार घंटे लगेंगे जहाँ आठ धागे जा रहे हो जी सर जल्दी बन जाएगा अपना काम सुपर फास्ट हो जाएगा। अरे मजा आ गया एक धागा चल रहा हो जी जी और कहाँ आठ धागे एक गिरा दूसरा गिरा इस तरह से मूवमेंट करता है। तो सर वो डिजाइनिंग से आता होगा ऑर्डर आपको बनाने का ब्लैंकेट वगैरह। हाँ ओके प्रोग्राम वहाँ से आता है इसमें क्या जो हॉल का मतलब एक ही यान का बीम है। हाँ इससे तो अच्छा या फिर आठ धागे बाद एक तो एक्युलेटर बोल जैसे सात धागे हैं सात धागे बाद एक धागा पैटर्न का आ रहा है। हाँ हाँ तो इसमें निकल जाएगा। अच्छा ठीक है मतलब अगर मैं समझा नहीं कि सर जैसे पैटर्न है इस टाइप का है इस टाइप का पैटर्न है ना। हाँ हाँ तो जैसे आठ धागे हैं। हाँ हाँ आठ है इसमें एक कोई पर्टिकुलर एक जैसे इसमें अपन ने पैटर्न का कौन लगा दिया। हाँ हाँ एक तो सात धागे बाद एक धागा आ रहा है तो अपना वो जंप मारता रहेगा। अच्छा अगर बीच बीच में आ रहा है तो ये गड़बड़ कर देगा। अच्छा तो ये नहीं बनेगा नहीं बने। ऐसा अच्छा। चेक बनाने के लिए इसी पे बनता है उसके लिए कौन ज़्यादा लगाने पड़ेंगे तो इस पर ज़्यादा लगाने पड़ेंगे कौन नहीं कौन तो इस पर यही लगेंगे। हाँ हाँ पर अलग अलग कलर के अलग अलग लगाने पड़ेंगे। अच्छा ये भी अच्छा जैसे ये चेक है तो ये बनाना तो उस हिसाब से वहाँ पे अलग अलग जैसे चेक्स में जितने धागे दस धागे आठ धागे लग रहे हैं। हाँ जैसे मान लो दो धागे हैं फिर क्या करेंगे दो कौन लगाएंगे। अच्छा बैक में दो कौन लगा वो अपने आप ले लेगा वन बाई वन चलता रहेगा बंजे चलेगा फिर सेकंड वो चलेगा अच्छा। बंजे चलेगा सेकंड वो चलेगा। अच्छा 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 मतलब और जैसे अगर आठ कौन है तो इस हिसाब से एक रुक जाएगा फिर दूसरा चल जाएगा दूसरा रुक जाएगा फिर तीसरा। तो इसमें क्या अंतर है सर ये फर्स्ट मतलब इसमें आप कौन से आठ पैटर्न होता है ना वो इसमें काम करेगा। अच्छा उससे अलग पैटर्न नहीं काम करेगा आठ सोलह सोलह में कर जाएगा चौबीस बस ये फास्ट बन जाता है इससे फास्ट काम हो जाता है। अच्छा ये वर्किंग फास्ट हो जाता है। फिर सर ये जो आपने ड्रम पर ले लिया अब वीवर बीम पर ट्रांसफर करोगे। हाँ रोल करेंगे। अच्छा अच्छा यहाँ पे लीज देंगे देखवानी जी तो अभी खाना खाने गए होंगे। अच्छा अच्छा अभी तो कितना तीन बज गया कितना बज गया तीन बज गया तीन बज गया साढ़े तीन तक आते होंगे। हाँ अच्छा तो ये कॉलोनी में रहते बाहर रहते। अच्छा इनका लड़का बड़ी अच्छी पोस्ट पर है टेकवानी का उसकी इनकी चार गुना सैलरी वो ले रहा है इनको मिलते होंगे तीन लाख सुनो उसकी उसका बड़ा हाई पैकेज है वो सॉफ्टवेयर कंपनी में है घर पर ही वर्क फ्रॉम होम कर रहा है बताते रहते मेरे फ़ोन पर।
आप क्या हैं, यहीं से? हाँ मैं प्रिंसिपल हूँ इंजीनियरिंग कॉलेज का। सर सर हाँ मैं यूपी का हूँ, लखनऊ। हाँ आप भी लखनऊ के हो? अच्छा हाँ हाँ अच्छा हाँ एक उधर से कर लीजिए। अच्छा अच्छा लीज रॉड डाल दिया आपने? हाँ ओके देखो कैसे लीज रॉड पर ये क्यों डालते हैं लीज रॉड बताओ। ये लूम पर जब जोड़ते हैं ना तब ये काम करता है, उसका तागा इससे जुड़ जाता है। अच्छा ऑड इवन। अच्छा स्वार्पिंग मशीन पे ऊपर की साइड में लीज चलती है। अच्छा इसके अंदर नीचे से लीज चलती है। ओके सर ठीक है ना, जैसे कि ये लीज चल गई। हाँ हाँ ठीक है ना, ये एकदम प्रॉपर लीज चल गया इसका। और यहाँ से मैं इसको काट दूँ, लीज रोड डालने से ऑड इवन हो जाता है। हाँ हाँ ये काटा क्यों सर? ये सेक्शन कट गए। ओके सिस्टम से देखा जाएगा तो सेक्शन कटे हैं, जैसे ड्रम पे सेक्शन कटते हैं ना। हाँ हाँ तो ये लास्ट में कटते हैं पूरा बीम बनने के बाद में। अच्छा जैसे जैसे ये निकलता जाएगा ये ड्रम घूमता हुआ जाएगा। ओके तो क्या मैंने इसे सब फिक्स कर रखे हैं पाइप वगैरह। हाँ हाँ अगर ये बीम पूरा बनता ना तो मैं प्रॉपर इसको आपको रोल करके। कोई बात नहीं कोई बात, सिस्टम यहाँ पे एक पाइप लगता है। हाँ ये रिवर्स बीम। हाँ अच्छा घूमता जाएगा ऐसे। हाँ हाँ तो ये ड्रम घूमता जाएगा और इसके ऊपर लिफ्ट आ जाएगा। जी जी ठीक है, जैसे पूरा घूमता जाएगा जैसे। हाँ इसमें मैंने 14 मीटर लेंथ सेट किया है। जी जी 14 मीटर खाली होने के बाद में लास्ट में ये लीज निकल जाएगा। ठीक ठीक ऊपर की साइड में ये लीज निकल जाएगी, जो भी नीचे दबा है ना ये ऊपर निकल जाएगा। ये आपका बीम पूरा कम्प्लीट है जी, ये इसकी प्रोग्रेस है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। चलो फेकवानी पूरी चाय पिलाते हैं और फिर जागीर के पास चलेंगे। ठीक ओके सर, मेरा समझाने में कोई नहीं नहीं बहुत बढ़िया है बहुत। आप लोग तो PhD हो पूरा यार। आओ ये देखो डायरेक्ट है, इसके अंदर पूरे कोण लगते हैं। ठीक है बाहर निकलने का तरीका कहाँ है? ये विविंग जाना था ना। हाँ विविंग इधर इधर क्यों सर? विविंग विविंग हाँ अंदर से जाइए। हाँ थोड़ा सा आगे जाके सामने 5 ऑफिस दिख रहे हैं। ओके थैंक यू सर। नहीं नहीं मैं जानता हूँ।